हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन। आज हम कंप्यूटर जीके का पार्ट 6 कर रहे हैं। 5 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्राम को चालू करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य की तो क्या है। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें यूजर है वो उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए इसमें प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण, बिल प्रिंटिंग और पेरोल आदि में उपयोग किए जाते हैं। सेकेंड टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक बार में केवल एक यूजर ही कार्य कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 95, विंडोज 2000। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि इसमें एक समय में अनेक यूजर है वो कार्य कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है यूनिक्स, VMS। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक प्रोग्राम को ही चलाया जा सकता है, मतलब इसमें सिंगल टास्क किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पॉम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। इसमें यूजर आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक यूजर या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक यूजर या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, टाइम स्लाइस या क्वांटम किसे कहते हैं। इस टाइम स्लाइस में यदि कोई यूजर या प्रोग्राम किसी संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो दूसरा यूजर या प्रोग्राम उस संसाधन के प्रयोग हेतु प्रतीक्षा करता है, लेकिन यह टाइम क्या है, बहुत ही कम होता है, जिससे समय का किसी को महसूस नहीं होता है कि उसने प्रतीक्षा की है। उपयोगकर्ता यह समझता है कि वही एकमात्र उपयोगकर्ता है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, मतलब इसमें जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है जिसको किसी को महसूस ही नहीं होता है। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशंस का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यूनिक्स यह एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1969 में डेवलप किया गया। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूनिक्स से, लाइनक्स हुआ, जो भी है, यह कौन सा मल्टीटास्किंग है या सिंगल यूजर है, जो भी है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है लाइनक्स।
यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में डेवलप किया गया है। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो लिनक्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सोलेरिस यह ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। MS-DOS यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता है क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती हैं। अब इसका प्रयोग है वो ज्यादा नहीं किया जाता क्योंकि यह ग्राफिकल सुविधा प्रदान नहीं करता है। MS-Windows यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विभिन्न संस्करण जैसे विंडोज 95, 98, XP, Vista आदि बाजार में उपलब्ध है। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा इसमें कार्य करना काफी सरल होता है। अब बात करते हैं MS-DOS की कुछ कमांड्स की। तो MS-DOS कमांड दो प्रकार की होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड कौन सी होती है, दो उसमें पहले से ही स्टोर होती है। इन कमांड द्वारा हम मेन रूट की डायरेक्टरीज और फाइलें देख सकते हैं। इंटरनल कमांड कौन सी है, डेट, टाइम, VER, VOL, DIR और कॉपी आदि। एक्सटर्नल कमांड ये ऐसी कमांड्स होती है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहती बल्कि अलग प्रोग्राम फाइलों के रूप में डिस्क पर स्टोर रहती हैं। कुछ एक्सटर्नल कमांड कौन सी है, CHK, DSK, TREE, ATTRI, B और डिस्क कॉपी आदि। तो आप याद रखिए कौन सी इंटरनल कमांड्स हैं और कौन सी एक्सटर्नल कमांड है। अब है DOS के कुछ एक्सटेंशन और उनका डिस्क्रिप्शन। तो .exe किसके लिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल। .com कमांड फाइल्स। .pat बैच फाइल्स। .doc डॉक्यूमेंट फाइल। .txt टेक्स्ट फाइल। .prg प्रोग्राम फाइल्स। .ovr मतलब ओवरलेस। और .sys मतलब सिस्टम फाइल्स। तो आप ये एक्सटेंशन याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे है कुछ कमांड्स और उनके प्रयोग। जैसे date, डेट कमांड किसके लिए यूज होती है, पीसी में सेट की हुई डेट को देखने और चेंज करने के लिए। टाइम वही समय चेंज करने और देखने के लिए। CLS स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए। DIR किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइलों एवं उप डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए। CD करंट डायरेक्टरी देखने के लिए। CD करंट डायरेक्टरी। कॉपी किसी फाइल की कॉपी करने के लिए। इसी प्रकार REN तो नेम चेंज के लिए। DEL जो डिलीट के लिए। MD मैक डायरेक्टरी तो डायरेक्टरी उप डायरेक्टरी बनाने के लिए। RD डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। टाइप किसी फाइल के कंटेंट्स देखने के लिए। फॉर्मेट किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को MS-DOS पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए। पाथ किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए। एडिट साधारण अक्षरों अंकों तथा विशेष चिन्हों से बनी फाइल तैयार करने या उसे सुधारने के लिए। प्रिंट किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए। एक्स कॉपी किसी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी में उसकी फाइलों को कॉपी करने के लिए या नकल करने के लिए। इरेज एक से ज्यादा फाइलों को इरेज करने के लिए, हटाने के लिए। VER यानी वर्जन संस्करण की सूचना देखने के लिए। सॉर्ट किसी फाइल के डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में बदलने के लिए सॉर्टिंग करते हैं वो। CHK DSK ये क्या है, एक्टिव डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए। डिस्क कॉपी तो ये कॉपी करने के लिए। मूव है वो किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में एक या एक पाथ से दूसरे पाथ में शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। अब देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दी। राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने तथा डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, यूजर के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना, प्रोग्राम का परिणाम यूजर तक पहुंचाना या प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करवाना या उपरोक्त सभी।
राइट आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी ये कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर इंटरप्रेटर या एमएस वर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यह क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस डॉस, एमएस वर्ड, लिनक्स या विंडोज। तो एमएस डॉस, लिनक्स और विंडोज ये सभी क्या है, हमने पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, एमएस वर्ड। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है, यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, डॉस में एमडी कमांड प्रयोग होती है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एमडी कमांड का यूज किस लिए होता है, डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग अक्षमता होती है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो 95 या सोलारिस। तो राइट आंसर क्या होगा, लिनक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है, यूनिक्स, विंडो एक्सपी, लिनक्स, सोलारिस। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कौन सा, लिनक्स। यह क्या है, ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एप्पल का जो जो लैपटॉप वगैरह आते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है या विस्टा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मैक, मैक ओएस 8.06 ये एप्पल में यूज किया जाता है। एक समय में एक साथ एक से अधिक कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर टेक्निक को क्या कहते हैं, एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले, तो मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टीपर्पज या मल्टी फंक्शनल। तो राइट आंसर क्या होगा, मल्टी टास्किंग। डीओएस का पूरा नाम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या पैकेज। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिप्लेक्स इंटर कंप्यूटर सर्किट, यूनियन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम या यूनियन इंट्रो करेक्टर सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ, 1950, 1955, 1960 या 1969। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसका विकास कब हुआ, 1969 में। नेक्स्ट है, खाली स्थान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, कॉपिंग, डिवाइस ड्राइविंग, बूटिंग या मल्टी टास्किंग। तो राइट आंसर क्या होगा, बूटिंग। जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सिस्टम में लोड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। या रिस्टार्ट करते हैं तब भी जो प्रोसेस होती है उसको बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब हम कंप्यूटर को सबसे पहले बंद कंप्यूटर को अगर चालू करते हैं तो उस समय की जो प्रोसेस है वो बूटिंग होती है, और अगर कंप्यूटर हमारा चल रहा है और उसको पुनः रिस्टार्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग।
किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। कौन सा? विंडोज, एमएस डॉस, टाइम शेयरिंग या ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? टाइम शेयरिंग। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कमर्शियल, ओपन सोर्स या हिडन टाइप। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स, जिसमें जो सभी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश से एमुलेट किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं बूट प्रोसेस के दौरान। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को कहते हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कौन सा? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शटडाउन या लॉगिंग ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। और बंद कंप्यूटर को शुरू करने को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख है कार्य। तो प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन। तो ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कंप्यूटर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी काफी संभावना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज और जॉब नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।